Hello viewers, you are watching my YouTube channel Prakash Pets Heaven. आप देख रहे हैं अपन चैनल प्रकाश पेट्स हेवन. दोस्तों पहले तो मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था. इसका कारण ये था कि मैं बहुत बीमार था, जिसके कारण मैं बेड रेस्ट पर था, मैं कोई भी काम कर नहीं पा रहा था. और इस कारण मैं वीडियो नहीं कोई अपलोड कर पा रहा था मैं. और आप देख रहे हो मेरे हाथ में जो फीमेल खरगोश है, इस बीच क्योंकि 2-3 महीने हो गए वीडियो डाले उससे पहले, उसी समय मैं बीमार पड़ गया था तो मैं देख नहीं पा रहा था. तो क्योंकि मेरे खरगोश जो भी मेरे पेट्स थे, मेरे घर वाले उनका खाना पाना कर रहे थे, वो लोग को उतनी जानकारी नहीं थी इस विषय में. और खरगोश जहाँ एक साथ रहते हैं तो मारा पीटी कर लेते हैं, आपस में लड़ झगड़ लेते हैं. उसी कारण इस खरगोश जख्मी हो गई थी, और जख्मी हो गई थी तो इसे बहुत बुरी रीति से जख्मी थी, और इसका घाव हो गया था जिसमें से कीड़े पड़ गए थे. क्योंकि मैं बेड रेस्ट पर था, मैं कुछ देखभाल नहीं कर पा रहा था, मेरे घर के लोग सिर्फ खाना वाना दे देते थे. जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने इसे देखा कि इससे बुरी कंडीशन में है, तो मैंने इसका इलाज किया और ये अभी बहुत अच्छी है. आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसको कोई घाव हुआ हुआ था. आप देख रहे हैं कितनी अच्छी कंडीशन में है, देखिए आपको पता ही नहीं चलेगा, दोनों साइड से आपको पता ही नहीं चलेगा इसे कितनी इतनी बुरी रीति से इसको ये प्रॉब्लम हुआ था. और जो मैं वीडियोस जो पीछे लगाऊंगा वो आप देख लीजिएगा कि कितनी बुरी रीति से ये उस समय बीमार थी. बीमार क्या कहें, इससे घाव हो गया था तो बहुत पेनफुल, इसके मैं समझता हूँ कि बहुत तकलीफ हुआ होगा उस समय. तो दोस्तों मैं इसके बाद वो वीडियो लगा दूँगा, और मैंने क्या क्या उसका इलाज किया है वो सारे डिटेल में बताऊँगा. क्योंकि कभी ऐसा स्थिति मैं तो नहीं चाहता हूँ कि किसी भी पेट्स लवर के साथ हो. अगर हो जाए तो आप किस तरह से उसका इलाज कर सकते हैं, इस वीडियो को देख कर आप वो अच्छी तरह समझ पाएंगे. तो ओके, थैंक यू. ये मेरी वो खरगोश है जिसका मैं सटोटेस से इलाज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विगत कुछ वर्ष महीना से बीमार होने के कारण ना कोई वीडियो बना पा रहा था, ना ना इनको मैं देख पा रहा था सही ढंग से. क्योंकि 1.5 महीना से कि मेरे घर वाले ही इन सबको खाना पाना खाना आने का इंतज़ाम कर रहे थे. तो सैटरडे को मैं थोड़ा सा ठीक हुआ था तो मैं थोड़ा वॉच करने लगा इनको. तो मैंने देखा कि ये थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही है. इसके बाद मैंने देखा कि इसे घाव हो गया है, और घाव भी बहुत बड़ा, और उसमें कीड़े पड़ गए थे. तो सैटरडे एक्चुअली शाम हो चुका था तो मैं कुछ कर नहीं पाया. थोड़ा सा मैंने उसमें साबुन डाला और थोड़ा सा फिनाइल का पानी मैंने डाल दिया था. संडे से मैंने इसका इलाज शुरू किया, तो उसमें से बहुत सारे करीब 30-35 कीड़े निकले, और बहुत ऑल था और बहुत गंदगी निकल रही थी. तो मैंने अच्छी तरह सफाई किया. आज मंगलवार है, आज देखिए इसका कंडीशन बहुत पहले से कंडीशन देखिए बहुत अच्छा है. कंडीशन बहुत अच्छा है, होल तो है लेकिन कंडीशन बहुत अच्छा है, इसमें कीड़े नहीं हैं. कितना बड़ा हॉल है, और इसे सोची कुछ दिनों से हुआ होगा क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था. मेरे घर वाले एक्चुअली खाना तो दे रहे थे, लेकिन इसके इलाज के बारे में उनको जानकारी भी नहीं थी, और उन्होंने ध्यान दिया भी नहीं. जब मैंने ध्यान दिया तो देखिए मैंने इसका इलाज शुरू किया है, और मैं बताऊँगा आपको आगे कि मैं क्या क्या इसे दे रहा हूँ ठीक होने के लिए. ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, जब ये ठीक हो जाएगी तो मैं बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी दवाइयाँ इसे दी थी. ओके, थैंक यू.
दोस्तों ये मेरा पहला दिन है अपने खरगोश का इलाज करते हुए। तो देखिए मैंने इस पहले दिन से क्या क्या चीज़ें अप्लाई की थी अपनी खरगोश पर। देखिए कितनी बुरी रीति से इसका घाव है, कितना गहराई भी है और देखिए कितना बड़ा घाव इसका है। देखिए मैंने इसमें फिनेल में पानी मिलाकर मैंने इसे डाला था पहला दिन, और मैंने कुछ देर से छोड़ दिया इस तरह पकड़ कर। देखिए अब नज़दीक से देखिएगा तो समझ में आएगा कितना बड़ा घाव हो गया था और कितना बुरी रीति से कितना दिक्कत था इसके पाँव में। देखिए नज़दीक से देखिए, अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर नज़र सुनाई ना पड़े तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखिए कैसे तकलीफ़ है और दवा पड़ रहा है तो कैसे आराम से ये लेटी हुई है। थोड़ा सा नज़दीक से देखिए, देखिए मैंने फिर दोबारा डाला था कि अच्छी तरह से देखिए इसमें कीड़े पड़े हैं तो कैसे वो थोड़े से हिल जुल रहे हैं दवा डालने पर। देखिए कीड़ा मैंने निकाला पकड़ के चिमटे से, ये देखिए पहला कीड़ा, ये देखिए कितना बड़ा कीड़ा है ये। देखिए सोचिए इसके शरीर में कितने तकलीफ़ हो रहा होगा जब ये कीड़े उसके शरीर में पड़े हुए थे और मैं इलाज नहीं कर पा रहा था। अच्छी कंडीशन में मैं जब अस्वस्थ था इसके कारण, पहले घाव था तो ये बची रहती थी। देखिए अब ये ठीक हो गई है, दौड़ भाग रही है, ये देखिए, ये देखिए घर के अंदर जाने के लिए, ये देखिए 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 भाग रही है। कंडीशन अच्छा है, आंगन में दौड़ रही है, आंगन में दौड़ रही है, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो खरगोश का इलाज किया उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ और कौन कौन से विटामिन्स मैं यूज़ कर रहा था। पहले क्योंकि खरगोश बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, घाव होने के कारण उसको पेन था, बुखार था, और इसी कारण वो कुछ दिनों से खाना पीना सब छोड़ दी थी। तो मैंने जो दवाइयाँ चलाई उन्हें उसे देने से पहले, घाव सुखाने के और पेन किलर और बुखार की दवा देने से पहले, मैंने ये मल्टी विटामिन्स ताकत की दवाइयाँ उसे दी इसलिए कि वो जल्दी से रिकवर कर पाए। तो देखिए मैंने ये पहले तो ये मल्टी विटामिन्स है और विमरल, मैंने इसे एक टाइम करीब दो तीन दिन दिया मैंने इसे, और दूसरे ये पॉलीबियन मेरे पास थे, ये दवा पड़ी हुई थी तो मैंने ये दवा उसे दिया। ये मैंने कंटिन्यू मैं इसे जब तक उसके घाव सूखने के मैं इसे दे रहा था, और ये ऑस्ट्रोवेट मैं साथ साथ में ये ऑस्ट्रोवेट भी दे रहा था उसे एक टाइम कि उसे ताकत मिलते रहे। और वो जो मैं दवाइयाँ चला रहा था मैं वो दवाइयाँ अच्छी तरह से वो अपने बॉडी में एक्सेप्ट कर पाया, क्योंकि कमज़ोर होने के कारण तो अगर मैं हार्ड दवाइयाँ चला रहा था तो उसे नुकसान होने का डर था, इसलिए मैं ये मल्टी विटामिन चला रहा था कि उसको ताकत मिलती रहे, और वो जो दवाइयाँ मैं हार्ड चला रहा हूँ वो दवा से उसे कोई नुकसान भी ना हो पाए। तो चलिए मैं वो कौन कौन सी दवाइयाँ थी जो मैं चला रहा था मैं उसे आपको दिखा देता हूँ। ये पैरासीटामोल है बुखार की दवा, मैं इसे चला रहा था बुखार के लिए। मैंने इसे दो दिन चलाया सुबह शाम करते हुए। मैंने इस दवा को 1/4 उन दवाओं के साथ 1/4 मैंने दो दिन दिया, और मैं बताता हूँ दूसरी दवाइयाँ मैंने किस तरह से दिया था, आप उसे देख लें और उसी तरह से आप उस दवा का यूज़ करें अपने पेट्स पर। इसमें से एक दवा है जो घाव सुखाने की दवा है और दूसरी दवा है वो पेन किलर है। मैंने जो मात्रा इसका दिया है उसमें से एक टेबलेट को 4 टुकड़े करके 1/4 1/4
करके मैंने इसे सुबह शाम अपने रैबिट को दिया था। मैं और ये जो क्रीम है मैंने खरगोश के जो पैर पर घाव था उस पर मैंने अप्लाई किया था। इसमें लिक्विड फॉर्म में भी आता है और क्रीम फॉर्म पे भी आता है। आपको जो सुविधा लगे आप वो लिक्विड या क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जिससे होगा कि जल्दी से जल्दी आपका घाव खरगोश का ठीक हो जाएगा। थैंक यू। दोस्तों, आप अपने पेट्स का इलाज किसी अनुभवी पशु चिकित्सक की सलाह पर करें या उसे दिखा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ नए टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट ज़रूर करें।